हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से कुछ बनाने के लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी गाजर का हलवा, तो जो कि मुझे थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से आता है बनाना। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बना के बताऊँगी, उसके लिए ज़्यादा मटेरियल नहीं लूँगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए, मैंने लिया है एक कटोरी चीनी और एक आधी कटोरी दूध और 3 गाजर। इसी मिश्रण से हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें गाजर लेनी है। मैंने यहाँ 3 गाजर लिए है, जिसे अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और अब हमें इसे कद्दूकस की मदद से इसे रगड़ लेंगे, मतलब इसे ऐसे कर लेंगे, क्या बोलते हो, इसे इसकी सहायता से इसे कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे मिश्रण। करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा गाजर रेडी हो गया है। अब हम अगला प्रोसीजर अपना अगला प्रोसेस करेंगे। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं गैस ऑन करूँगी। तो अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, देसी घी। देसी घी से ऐसा होता है कि बाद में इसमें ना खुशबू अच्छी आती है इसकी। और 1 चम्मच या आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाला है, गर्म होने देंगे। अब ये गर्म हो चुका है, अब इसमें हम गाजर को डालेंगे। धीरे धीरे सारी गाजर इसमें डाल देंगे। तो अब मैंने इसमें सारी गाजर डाल दी है और अब हम इसे बनाएंगे अच्छे से, भून लेंगे इसे। पानी नहीं निकाला मैंने इसका, पानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही डालिए इसमें। गाजर का पानी नहीं निकालना है, तो आप साथ साथ में देसी घी की खुशबू भी आ रही है, इसलिए आप घी देसी ही डालें। बाकी आपकी मर्जी, आप 1 चम्मच डालें, 2 4 दिन जितना आपके पास है। इसे पकने देते हैं थोड़ी देर। तो ये पकना अभी मैं से डाल दिए, थोड़ी देर से पका लें। और ज़्यादा जब 5 या जब आपको लगे कि ये पक गया है, फिर अब हम इसमें दूध डालेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। ये मैंने आधी कटोरी दूध लिया है, इसमें डालेंगे। अब हम इसे मिलाएंगे अच्छे से। पकाएंगे इसे तेज आंच पे। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे हम। पहले 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ, फिर उसके बाद देख के पता लगेगा कि इसे और पकाना है इसे जहाँ। तो अब इसे मैं ढक दूंगी, इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसे चेक कर रही हूँ, आप भी इसे बीच बीच में हिलाते रहें। अब गैस कम कर दें, गैस की आंच, तो धीरे धीरे धीमी आंच पे अब इसे पकाएं।
अभी इसमें पानी पानी सा लग रहा है, तो इसे पकने दें अभी। हलाते रहे बीच बीच में, इसे ढक रही हूँ फिर से। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका कलर कुछ ऐसा आ रहा है, पक रहे हैं अभी। अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी सा, पानी नहीं है, दूध डाला इसमें। तो मैंने तो आधी कटोरी ली थी दूध की, आप चाहो तो जिस हिसाब से आपकी गाजर है जितनी ली है उस हिसाब से आप दूध डाल दें। आज इसकी तेज कर दूंगी, थोड़ी देर से और पकाएंगे। ढक देती हूँ फिर से, कम कर देती थोड़ी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, अभी तकरीबन पक ही गया है, खुशबू भी आ रहा है अब इसका। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसके पीक निकाल के इसे। हाँ, तो देख सकते हैं अच्छे से अब हो रहा है ये। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। चीनी आप बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं, कम नहीं की ज़्यादा, आपको जैसा लगे। चीनी डालने के बाद हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, चीनी इसमें घुल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी देखिए कैसे इसका कुछ लुक है जो वो चेंज हुआ है। तो देखिए गैस को थोड़ा तेज कर देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से पकी गया, अब थोड़ी कम करके इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसे देखेंगे। देखिए अभी पक रहा है, तकरीबन ये तैयार हो चुका है। अब आप इसमें जो जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। अभी रेडी है, तो मेरे पास तो इस टाइम कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, तो मैंने तो बस ऐसे ही ट्राई किया, ख़त्म हो गया। अभी तो मेरे पास अभी नहीं है, तो आपके पास है तो आप इसमें जो जो डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट तो उसमें डालें। इसे हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा पकाएं, मेरे पास ओनली यही है इसको, तो आप बोलते मैंने इसमें डाल दिया है। ये अच्छी लगती है, इसे मेरी बेटी पसंद करती है, तो मैंने इसको इसमें डाला है। तो मैं फर्स्ट टाइम उसे ये गाजर का हलवा खिलाऊंगी, अभी 2 साल की है वो, हुई है अभी छुट्टी है, तो मैं उसी को टेस्ट कराऊंगी। तो पक्के हैं अच्छे। तो आप फ्रेंड्स जो डालना चाहते हैं इस टाइम इसमें डाल सकते हैं, जब ऐसा ये बन जाए तो जो हलवे के जैसा दिखने लगे, तो आप इसमें जो जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं नहीं डालें, आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये बन के तैयार हो गया है, सिंपल तरीके से मैंने इसमें बनाया। आप इसमें खोआ वगैरह जो भी डालना चाहे डालें, तो अभी मैं इसे निकाल रही हूँ कटोरी में। निकालते वक्त आप पहले इसमें थोड़ा सा चेक कर लें कि चीनी इसमें कम तो नहीं है। इसमें अभी इसमें डाल जैसे जैसे ऊपर है अभी
इसमें आप डाल सकते हैं, कम है ज़्यादा चेक करके, तो मैं भी इसे पहले चेक कर लूँगी। अब इसमें कम लगी चीनी तो उसमें थोड़ी और ऐड करूँगी, थोड़ी चीनी इसमें कम लग रही थी तो मैंने एक चम्मच इसमें और ऐड किया है। और देखिए कैसे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल देती तो ये और अच्छा यम्मी बनता, पर फिलहाल मेरे पास अभी नहीं है तो मैं ऐसे ही से, ऐसे भी आप बना सकते हैं फिलहाल ले ली तो, अगर बनाना हो आप तो मैं एक तो बात तो जरूरी इसमें ड्राई फ्रूट ही, बच्चों को आप ऐसे भी बना कर दें। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इसका कैसा लुक आया है, इसमें खुशबू काफ़ी आ रही है देसी घी की, तो ऐसे बने हुए ऐसे तैयार हैं। देखिए तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना, मैंने नया नया यूट्यूब चैनल ओपन किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, जय माता दी।